आज इलेक्शनों में कोई भी पार्टी कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी कोई भी लीडर सड़क की बात नहीं करता, नौकरी की बात नहीं करता, अस्पताल की बात नहीं करता, डिस्पेंसरी में डॉक्टर है कि नहीं उसकी बात नहीं करता, न देखता उसकी बात, टीचर है कि नहीं, इसका मकान है कि नहीं, सिर्फ धर्म और जात और पार्टी। ये कब तक चलेगा? हम तो बड़ा फख्र करते हैं कि हम 21वीं सदी के बाशिंदे हैं, हम दादियों परदादियों के पास हिंदू हों या मुसलमान नहीं हो, पूरा एक चूड़ा से होता था, बाकी कब नहीं होते थे। गांव में दादे परदादों से हम सुनते आए हैं कि कम लोगों के पास शादी जब होती थी तो एक दूसरे से कपड़े उधार के लेते थे। आज हम फरीका पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है और कहीं पड़ता है। गाड़ी मेरी लेटेस्ट गाड़ी है, मेरे टेलीफोन चार चार है, शानदार है, लेकिन यहां कुछ बदला के नहीं, यहां खराब हो गया। ये जितने पुराने जमाने में जहां हमारी जैसा चिनाब वैली है, जैसा रामबन है, एक घर से मिलकर दूसरा घर था, हिंदू से मिलकर हिंदू, उनके ये पता नहीं है कि चाचा कौन है ताया कौन। हिंदू अगर अपनी मां को माता बोलता था तो मुसलमान के घर वाली को भी अगर सुबह की बुनियाद पर कोई बात नहीं करती, तो सोच सकते। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, मैं पॉलिटिशियन कम हूं, मैं रिफॉर्मर ज्यादा, रिफॉर्म लाने की जरूरत। अपने रिफॉर्म में क्या है, उर्दू में आएगा, हिंदी में आएगा। अल्लाह की भी और हुक्मरानों की दी हुई गरीबी, जहालत, बेदारी, बेरोजगारी है, लेकिन जो अल्लाह ने नहीं दी है और हुकूमतों ने नहीं दी है वो ये भेदभाव सास है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मैंने लड़ाई लड़ी हमारी पार्टी ने।